नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं धौलाधार अपडेट्स इस चैनल को। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो है 15 सरकारी पदों पर जो है ये भर्ती होने जा रही है। तो ये भर्ती जो है कौन से डिपार्टमेंट में होगी हिमाचल प्रदेश के, और इसमें जो है आपकी एप्लीकेशन फॉर्म जो है ऑनलाइन या ऑफलाइन भरे जाएंगे, उसके बारे में भी हम आपको जो है इस वीडियो में बताएंगे, और कितनी एप्लीकेशन फीस लगेगी और कौन कौन किसी जो है ये पोस्टें भरी जाएंगी 15, तो इसकी पूरी जानकारी हम आज आपको जो है इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो वीडियो पर एंड तक बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आप तक जो है हमारी हर नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले पहुंच सके, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो ये रिक्रूटमेंट होगी, ये हिमाचल प्रदेश स्टेट हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कॉरपोरेशन में जो है ये रिक्रूटमेंट होगी, आप देख सकते हैं। और इसकी जो एडवर्टाइजमेंट फॉर इंगेजमेंट ऑफ डिजाइनर्स की जो है ये एडवर्टाइजमेंट जो है इन्होंने निकाली गई है। तो आगे इन्होंने जो बताया है यहाँ पे कि जो ये पोस्टें जो हैं ये डिज़ाइनर की पोस्टें हैं। ये ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटीग्रेटेड डिज़ाइन एंड टेक्निकल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट विद इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एज पर द फॉलोइंग डिटेल। जो इन्होंने जो है 15 पोस्टों को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया है डिज़ाइनर के हिसाब से, तो हम पूरी जो है आपको बताएंगे। तो इसका जो है आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सबसे पहले जो है मेटल क्राफ्ट की 2 पोस्टें हैं, शॉवल वीविंग एंड एम्ब्रॉयड्री क्राफ्ट की 3 पोस्ट हैं, वुड क्राफ्ट की 2 पोस्ट हैं, पाइन नीडल क्राफ्ट की 2 पोस्ट हैं, बैम्बू क्राफ्ट की 3 पोस्ट हैं, चंबा रुमाल एम्ब्रॉयड्री क्राफ्ट की 1 पोस्ट है, कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग क्राफ्ट की जो है 1 पोस्ट है। तो टोटल जो है ये 15 पोस्टें जो हैं इन्होंने निकाली हैं। तो ये डिज़ाइनर की जो है पोस्टें हैं हिमाचल प्रदेश में, जो है ये सरकारी नौकरी है इन डिज़ाइनर्स की। और ये आपको जो इसमें एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे वो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है भरे जाएंगे। और इसमें इन्होंने बता रखा है कि जो एडवर्टाइजमेंट अलॉन्ग विद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गाइडलाइंस फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एंड अदर टर्म एंड कंडीशन आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। तो जो इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा वो इन्होंने जो है इस वेबसाइट में जाकर जो है आपको पता करना होगा, www.himcrafts.com। इस वेबसाइट में जाकर जो है आपको एप्लीकेशन का जो फॉर्म भरेंगे आप, तो इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो इन्होंने इसमें बता रखा है। और इन्होंने जो लास्ट डेट जो रखी है वो 7 अप्रैल 2020 को जो है लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, और ₹500 जो है आपको फीस देनी होगी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, जो इन्होंने बता रखा है। तो नेक्स्ट हम बताते हैं ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन जो है इन्होंने जारी करी गई है। तो आगे जो है इन्होंने ये बता रखा है कि जो एप्लीकेशन एज अ हेरी वायर इन्वाइटेड फॉर द इंगेजमेंट ऑफ डिजाइनर फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फ्लोइंग इंटीग्रेटेड डिजाइन एंड टेक्निकल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो इन्होंने जो है ये बता रखा है कि टेक्निकल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट विद इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश में कहाँ कहाँ पर है। तो इन्होंने पूरे जो है प्रोजेक्ट के बारे में बता रखा है कि कहाँ कहाँ जो है ये हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम के जो है प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ पर लगे हैं। तो ये चंबा में है, मंडी में है, सोलन, कांगड़ा, मंडी, किन्नौर, कुल्लू, कांगड़ा, सोलन, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, चंबा, कांगड़ा। तो ये आप जो है इसको डिटेल में देख सकते हो। आगे बताते हैं हम आपको, जो इन्होंने बता रखा है कि लास्ट डेट रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन 7 अप्रैल 2020, जैसे कि मैंने आपको बताया शाम 5 बजे तक जो है आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। और इस जो इन्होंने ये बता रखा है कि इन द ऑफिस ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर HPSHHC D2 ब्लॉक नंबर 3 SDA कमर्शियल कम्प्लेक्स कसंपत्ति शिमला। तो एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो है परफॉर्मा एनेक्सर ए में जो है इन्होंने बता रखा है, और सेल्फ टेस्टेड जो है आपको कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट की जो है लगानी होगी साथ में। और एप्लीकेशन की फीस जो है मैंने आपको बताई है ₹500 लगेगी, और ये आपको जो है डिमांड ड्राफ्ट पेएबल टू मैनेजिंग डायरेक्टर HPH and HCL एट शिमला के इस नाम पर जो है आपको डिमांड ड्राफ्ट जो है बनाना होगा ₹500 का। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो इन्होंने बता रखा था ऊपर की साइट में जाकर पता करें, तो इन्होंने बता रखा है यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन, द एप्लीकेंट शुड बी इम्पैनल्ड विद द ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैंडिडेट्स विद एक्सपीरियंस इन रिलेटेड फील्ड हैज प्रूवन रिकॉर्ड एंड विलिंग टू वर्क इन द आइडेंटिफाइड लोकेशन वुड बी प्रेफर्ड। तो आगे हम बताते हैं आपको, इन्होंने रेमुनरेशन जो इन्होंने बता रखी है कि आपको पर मंथ जो है 55,000 जो है आपको मिलेगी। अचीवमेंट माइलस्टोन फिक्स्ड बाय द कॉरपोरेशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट आफ्टर सिलेक्शन कैंडिडेट्स एंड फुलफिलमेंट ऑफ टर्म एंड कंडीशन ऑफ इम्पैनलमेंट। तो ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम जो है ये 5 मंथ्स की है, इंक्लूडिंग 3 मंथ्स जो है आपकी ट्रेनिंग होगी आर्टिशियन, एटलीस्ट ट्रेनिंग ऑफ 25 डेज पर मंथ, अबाउट एट मिनिमम 125 आवर्स ऑफ द ट्रेनिंग पर मंथ जो है आपको लगवाने होंगे। और जनरल जो इन्होंने टर्म एंड कंडीशन जो है बता रखी है, MOU के बारे में बता रखा है इन्होंने,
तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख सकते हो कि जनरल मैनेजर की जो है ये सिग्नेचर हुए हुए हैं। और आगे हम बताते हैं आपको परफॉर्मा के बारे में। तो जो परफॉर्मा भरा जाएगा ये इस प्रकार का जो है ये परफॉर्मा होगा, हिमाचल प्रदेश स्टेट हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कॉरपोरेशन का, ये आप देख सकते हैं। तो इसमें जो है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द एंगेजमेंट ऑफ डिज़ाइनर इन कौन, यहाँ पर आपने जो है नाम लिखना है, इन्होंने बोला है एंगेजमेंट ऑफ डिज़ाइनर इन नेम ऑफ क्राफ्ट, कौन सी जो है आप डिज़ाइनर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, और एट लोकेशन कौन सी लोकेशन में, जो मैंने आपको ऊपर बताए कि जो प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ पर जो है इन्होंने स्टार्ट करे हुए हैं, उस हिसाब से जो है आप यहाँ पे लोकेशन भर दें। यहाँ पे आपका जो है नाम आएगा, नेम ऑफ एप्लीकेंट, फिर फादर्स नेम ऑफ एप्लीकेंट, डेट ऑफ बर्थ आएगी आपकी, कंप्लीट एड्रेस आएगा, और यहाँ पे जो है आपका आधार नंबर आएगा, मोबाइल नंबर आएगा, ईमेल आईडी आएगी, और आगे जो है क्वालिफिकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जैसे कि डिज़ाइनर वगैरह की आगे, तो ये आप जो है यहाँ पर लिखेंगे। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे जो है आप कितने साल का एक्सपीरियंस है वो लिखें, और किस चीज़ का एक्सपीरियंस है, और अटैच है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा वो आपको जो है साथ में एप्लीकेशन फॉर्म के अटैच करना होगा सेल्फ अटेस्टेड करके। और आगे जो है इन्होंने डिटेल ऑफ प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेड बाय द एप्लीकेंट जो है यहाँ पर लिखना होगा, और नेक्स्ट जो है यहाँ पे इम्पैनलमेंट डिटेल विद द डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेफरेंस नंबर जो है आपको यहाँ पे देना होगा, और एनी अदर एजेंसी ऑफ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की है तो यहाँ पर आप लिख दें। और यहाँ पे नेक्स्ट जो है चेकलिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पे जो है चेकलिस्ट आप लिखें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है आपने लगा दिए हैं क्वालिफिकेशन के, और डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के भी लगा दिए हैं, और डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट एक्सपीरियंस के भी आपने लगा दिए, तो यहाँ पर जो है चेकलिस्ट आप लगा दें कि ये अटैच करे हुए हैं हमने सारे। और इसमें जो है यहाँ पे इन्होंने जो है ये नीचे आपके जो है यहाँ पे सिग्नेचर होंगे एप्लीकेंट के, और यहाँ पे नेम ऑफ एप्लीकेंट लिखना है, और कंप्लीट एड्रेस विद कॉन्टैक्ट जो आपको यहाँ पे नीचे लिखना है। तो ये थी इन्होंने आज की अपडेट जो निकाली थी, तो ये इन्होंने जो है सेंक्शन ऑर्डर जो है ये नीचे दे रखे हैं, तो ये इन्होंने कितना सेंक्शन जो है अमाउंट किया हुआ है, तो ये उन्होंने सारा कुछ जो है दे रखा है। तो आपको जो है इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको जो है मैंने आपको जो रिक्रूटमेंट बताई कि इतनी पोस्टें जो है भरी जाएंगी, तो उसकी पूरी जानकारी जो है मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें, ताकि जो टेक्सटाइल के जो कैंडिडेट्स होते हैं इंजीनियरिंग टेक्सटाइल के, तो वो इसको भर सकते हैं। तो जरूर इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर आप शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी जो हैं भर सकें इस पोस्ट को। तो अगर आपको ऐसी ही पोस्ट चाहिए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को लाइक भी जरूर करें, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।